सो हे गाइस, वेलकम टू आउटफ्लिक। आज के इस वीडियो में वेस्टर्न डिजिटल का एक SSD का रिव्यू करूंगा, प्राइस, स्पीड, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पर उससे पहले इंट्रो। ऐसे ही गैजेट रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूं, तो अगर देखना पसंद है तो आउटफ्लिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे ये तो ऑलरेडी अनबॉक्स है, तो बता दूं मैं इस वक्त अपने ऑफिस पर हूं और फिलहाल मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं अनबॉक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ज़्यादातर पैकेज तो मैंने हटा दिया है, तो थोड़ा बहुत जो भी कसर बाकी है वो मैं कोशिश कर रहा हूं करने की। ये वेस्टर्न डिजिटल का 240 GB वाला वेरियंट है और हाँ, ये ग्रीन वाला है। ग्रीन वाला मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत अलग अलग कलर का आता है और सारे कलर का क्या मतलब है अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें। एक छोटा सा रिक्वेस्ट था आप सबसे, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अनबॉक्स हो चुका है और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पहली बार किसी SSD का रिव्यू नहीं कर रहा, बल्कि इससे पहले भी मैंने क्रूशियल का दो दो SSD रिव्यू कर चुका हूं, तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो जिस भाई ने SSD इंस्टॉल करने को बोला था, उसके डेस्कटॉप का कैबिनेट हमने खोल लिया है और इसके अंदर आप SSD इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद OS इंस्टॉल करेंगे, फिर हम स्पीड टेस्ट भी कर लेंगे। SSD को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक SATA केबल की ज़रूरत है जो ऑलरेडी आपको दिख रहा है रेड कलर में, और एक पावर केबल जो कि हमारे SMPS से कनेक्टेड होगा, और इसको एक हाथ से करना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे रख देता हूँ और उसके बाद इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों केबल ही हमने अटैच कर दिया है, यानी कि SSD इंस्टॉल हो चुका है, हार्डवेयर वाला काम यहीं पे ख़त्म, अब सॉफ्टवेयर वाला काम शुरू, यानी कि हम OS इंस्टॉल करेंगे। अब ऑलरेडी हमने बूटेबल पिन ड्राइव लगा दिया है, पावर बटन भी ऑन कर दिया और स्टार्ट हो चुका है, और हमें जो है कीबोर्ड पर F12 दबाना है ताकि बूट मेनू ऑन हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बूट मेनू के एकदम एंड में हमारे जो पिन ड्राइव है वो दिखा रहा है UEFI जनरल UDIX 5, तो उस पर हम इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करते ही जो विंडोज़ 10 है वो धीरे धीरे लोड होना चालू हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अगर आपको OS इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप YouTube पर वीडियो सर्च कर सकते हैं, और शायद मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है इसके ऊपर, तो आपको बस नेक्स्ट करते जाना है, और यहाँ पर उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑफिस में वीडियो बनाया है। सो आपको बस इंस्टॉल पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करते जाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस थोड़ा सा ही, कोई भी एक बार वीडियो देख लेगा तो ईजिली कर पाएगा। तो यार, हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पे हमारा जो न्यू हार्ड ड्राइव है यानी कि SSD है वो दिखा रहा है 240 GB का, और हमने नेक्स्ट करके इंस्टॉल बिठा दिया है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा तो इसलिए मैं आपसे मिलूँगा इंस्टॉल होने के बाद। तो यार, OS इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट डन, मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद से बस नेक्स्ट, स्कीप, ये सब करते जाना है। आप एक बार देखते ही समझ जाएंगे, और ये इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो जब तक ये सेटअप और सेटिंग्स कंप्लीट होता है, अब प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर जो भी आपका मन हो प्लीज़ लिख दीजिए, इससे मेरे वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, और 2019 से वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ कर दो यार, वीडियो को भी लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में भर दो। तो यार, अब हम लोग आ चुके हैं स्पीड टेस्ट की तरफ। पहले मैंने जो यूज़ किया है क्रिस्टल डिस्क इन्फो, तो यहाँ पे आपके डिस्क का इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये 1 TB वाला ऑलरेडी जो इंस्टॉल था, सॉरी 500 GB वाला जो ऑलरेडी इंस्टॉल था, जिसका हालत उतना अच्छा नहीं है, तो हमारे भाई ने बोला कि एक SSD लगा दो क्योंकि बार बार वो स्क्रैच हो रहा था, तो हमने ये किया। तो आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न डिजिटल का जो 240 GB वाला जो है उसका हेल्थ जो है वो एकदम गुड दिखा रहा है, 100% दिखा रहा है। और अब बारी है स्पीड टेस्ट करने की। तो हमने सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया है और ऑल पर हम क्लिक कर देंगे, और अब देख सकते हैं कि स्पीड टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, इस वीडियो के बाद हमारे चैनल को ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि मैं अलग अलग तरीके का वीडियोस बनाता रहता हूं, और अगर आपको इंटरनल हार्ड डिस्क को एक्सटर्नली यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं। इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका प्राइस क्या है, तो मुझे पड़ा है 1700। जी हाँ, इसका प्राइस जो है वो फ्लैक्चुएट करता रहता है 1700 से 1900 के बीच। तो 1700 के प्राइस में क्या ये अच्छा है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, क्योंकि वेस्टर्न डिजिटल का ग्रीन वाला
जो है वो उसका लॉन्गजीविटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपके साथ मैच ना हो। मान लीजिए आप कम प्राइस में बहुत ज़्यादा स्पीड एक्सपेक्ट करते हैं, एटलीस्ट इससे ज़्यादा, देन आप मेरे क्रूशियल वाले वीडियो को थोड़ा चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ना डबल स्पीड आ रहा था। तो अगर आपको कम प्राइस में ज़्यादा स्पीड चाहिए और इसकी वारंटी भी यही कुछ 2-3 साल तक ही है, तो आप क्रूशियल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए नहीं यार मुझे थोड़ा भरोसेमंद चाहिए, काफ़ी टाइम तक मैं यूज़ करने वाला हूँ और स्पीड उतना मैटर नहीं करता, SSD सारे SSD फास्ट है, ठीक है, वेस्टर्न डिजिटल क्रूशियल सारे ही फास्ट है आपके नॉर्मल हार्ड डिस्क से, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा लॉन्गजीविटी थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चले, देन आप वेस्टर्न डिजिटल की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।